हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं MIUI 11 की मोर हिडन फीचर एंड ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपको ट्रिक्स एंड फीचर बताए, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, MIUI 11 की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चैनल पर विजिट करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा MIUI 11 की हम बहुत सारी न्यूज़ देते रहते हैं। लाइक का टारगेट रखता हूँ 150 लाइक का, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आप पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले फीचर की ओर बढ़ते हैं। लोगों को पता होगा, लेकिन आपको एक न्यू क्विक शॉर्टकट देखने को मिल जाता है MIUI 11 के अपडेट में, जिसका नाम है फोकस मोड। जी हाँ, देख सकते हैं ये फोकस मोड आपको क्विक शॉर्टकट देखने को मिल जाता है। बिना सेटिंग में जाए आप फोकस मोड को अनेबल कर सकते हैं। और अगर आपके मोबाइल के अंदर फोकस मोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, जैसे कि देख सकते हैं डिजिटल वेलबिंग का मेरे को फोकस मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है किस प्रकार से अपने फोन के अंदर फोकस मोड को अनेबल करना है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्विक शॉर्टकट देखने को मिल जाता है फोकस मोड को अनेबल करने का। नेक्स्ट फीचर की ओर चले तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक MI वीडियो का ऑप्शन। अक्सर ये फीचर लोगों को पता नहीं है, MI वीडियो में जाएंगे, ये पहले भी था लेकिन अक्सर लोगों को ये पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या चीज़ें लोकल पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे सामने आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको क्या चीज़ देखने को मिलता है। अदरवाइज मेरा ये एक वीडियो है तो मैं इसको प्ले नहीं करता। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके होल्ड करता हूँ और यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक हाइड का ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉर्नर पे। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड कोई भी सिलेक्ट कर दूँ, जैसे कि 111 मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसे ओके कर दिया। अब ये मेरा फाइल हाइड हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं हाइड हो चुका है। अब इसको अनहाइड करने के लिए मुझे फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे देखेगा हिडन हिडन आइटम, इस पर मैं करूँगा। तो यहाँ पे मैं जो पासवर्ड लगाऊंगा 1 2 3 4 भले एक 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 लगाऊंगा तो मेरा हिडन चीज़ खुल जाएगा और यहाँ से मैं इसे अनहाइड भी वापस से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो अक्सर सभी मोबाइलों के अंदर नहीं देखने को मिलता, वैसे मैं बता देता हूँ आपको कौन सा फीचर देखने को मिल जाता है। वैसे आप सभी मोबाइलों में अनेबल भी कर पाएंगे अगर मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। आपको गैलरी ऐप में जैसे जाते हैं, आपका मान लीजिए कोई भी स्काई वाला फोटो क्लिक किया हुआ है और यहाँ पर जाते हैं आप एडिट बटन पर और यहाँ पर जाते हैं आप एक यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाता है फिल्टर का। फिल्टर पर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा स्काई का। स्काई पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप स्काई के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अपने बॉडी वाला पार्ट भी लिया हुआ तो उसका भी कलर आप स्काई के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप स्काई के कलर को चेंज कर सकते हैं। और मैं बता दूं ये बटन किस प्रकार से अनेबल करना है, इस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो पार्ट वन आपको देखना पड़ेगा, उसमें हिडन फीचर मेंशन किया है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो भी आपको एक मोबाइल की सेटिंग में देखने को मिल जाता है। जैसे ही अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा एक एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन। जी हाँ, एडिशनल सेटिंग में जैसे ही जाएंगे तो आपको एक यहाँ पे न्यू फीचर देखने को मिलेगा एजिबिलिटी। एजिबिलिटी पहले भी था लेकिन यहाँ पे आप जैसे जाएंगे स्क्रोल करेंगे इसे नीचे की ओर तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक गेस्चर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे इसे आप अनेबल कर देते हैं। जैसे कि मैं इसे अनेबल कर देता हूँ, तो देखते हैं मैंने इस पर अनेबल कर रखा है। अब जैसे कि ये किस चीज़ के लिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से तो आप जूम कर ही सकते हैं, अदरवाइज देख सकते हैं मैं 2-3 बार इसे लगातार टैप करता हूँ तो कई बार वर्क नहीं करता, 2-3 बार आप करेंगे तो इस प्रकार से ये जूम हो जाएगा। ये इस चीज़ के लिए है, अगर मान लीजिए आपको कोई वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर कोई चीज़ इतनी छोटी है और वीडियो को तो अपने जूम कर ही नहीं सकते ज़्यादातर से, तो वहाँ पे आप इसे 3 बार टैप करेंगे तो वो वीडियो की पूरी चीज़ जूम हो जाएगी और जो भी चीज़ आप छोटी छोटी चीज़ देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, इसे आप अनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप वीडियो के अंदर भी छोटी छोटी चीज़ जूम करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर 2-3 बार लगातार टैप करेंगे वहाँ पर तो आपका वीडियो के अंदर जूम हो जाएगा और भी, और उसका आसानी से भी आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, तो आप उसे ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको मिल जाता है डेमो मोड का ऑप्शन। डेमो मोड का ऑप्शन कहाँ आपको देखने को मिल जाता है, जैसे अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन में जाएंगे, उसके बाद आपको MIUI वर्जन पे 5-6 बार टैप करना है। जैसे कि आप जब तक डेवलपर ना बन जाए जब तक आपको टैप करते रहना है। जैसे कि मैं डेवलपर अभी तक नहीं बना और यहाँ पर जब तक ये बोल दे यू आर डेवलपर तो मैं डेवलपर बन चुका हूँ। और यहाँ पर मैं जैसे जाऊँगा एडिशनल सेटिंग में तो एक यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, तो इस पर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन देखने को मिलेगा एक डेमो मोड का ऑप्शन। अब इसको ऑन करने से क्या होएगा, जैसे कि मैं इसे इनेबल कर देता हूँ और इसे टर्न ऑन कर देता हूँ तो मेरा डेमो मोड हो चुका है अनेबल। अब मैं जैसे डेमो मोड को अनेबल करने के बाद जैसे आप होम स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पर जो भी टाइम था जो भी नोटिफिकेशन थी वो सारी की सारी गायब आ जाएगी। आपके जो नेटवर्क थे
वो भी एक प्रकार से गायब हो जाएगा। तो सारे की सारी चीज़ें आपकी गायब हो जाएगी डेमो मोड को ऑन करने के बाद, और कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी यूजर्स को नहीं दिखाएगी। तो ये इस प्रकार का आपको फीचर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, डेमो मोड का करना चाहते हैं तो इसे ऑफ कर सकते हैं। मेरी जो भी टाइम थी वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और सारी की सारी मेरे नोटिफिकेशन सारी दिखाने लगे और मेरे दोनों के दोनों नेटवर्क आ चुके हैं। तो ये कुछ आपको फीचर देखने को मिल जाता है इसको ऑन करने के बाद में। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो मिल जाता है आपको डायलर पैड में। जैसे ही आप डायलर पैड में जाएंगे, मान लीजिए आपने में से किसी सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है इनकमिंग कॉल सेटिंग। ये ऑलरेडी पहले ही फीचर देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्लैश वैन रिंगिंग। इसके लिए आप थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करते थे, कई बार आप सोचते थे फोन आने पर हमारा ये जो फ्लैश होनी थी वो अपने आप ऑन ऑफ होनी चाहिए, जिससे हमें साफ साफ पता लगे, वाइब्रेट भी तो होए लेकिन फ्लैश भी हो तो जिससे साफ साफ पता लगता है। तो इसे आप अनेबल कर लीजिए, आपका जब भी कोई फोन आएगा तो यहाँ पे फ्लैश ये अपने आप ही बंद ऑफ होने लगेगा। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसे भी आप अनेबल कर सकते हैं। इसको फोन आने पे आपका फ्लैश अपने आप ऑन हो जाएगा, ऑन ऑफ होने लगेगा। अगले फीचर्स की ओर बढ़े चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर ऐप में एक चीज़ और देखने को मिलता है, फ्लोटिंग विंडो का नहीं बताने वाला। आप मान लीजिए कोई भी हिसाब किताब करते थे, लेकिन MIUI 11 के अंदर जैसे कि आप मान लीजिए आपका हिसाब में प्लस या माइनस कुछ भी गलत हो जाता है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस के निशान पर क्लिक करना पड़ता था। लेकिन आप इसकी जगह आप एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को इसको एक्सचेंज करना है तो मैं इसे एक्सचेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पर जो भी मेरे जो भी जो हिसाब किताब गड़बड़ हुआ है तो इसे मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई भी मेरे को क्रॉस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इस फीचर देखने को जाता है। तो आपका कोई हिसाब किताब कई बार गड़बड़ हो जाए तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपने वर्ड्स को। और एक बात और बता दूं, अगर वो स्काई वाला फीचर आपका अनेबल ना हो तो गैलरी 3.0 का लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, आपका वो स्काई वाला फीचर भी अनेबल हो जाएगा जिस फोन में स्काई वाला फीचर चेंजेस वाला फीचर नहीं देखने को मिलता। तो ये कुछ MIUI 11 के हिडन ट्रिक्स एंड टिप्स थी, और भी मैं वीडियो लेके आऊंगा जो भी मेरे को मिली और भी हिडन फीचर्स MIUI 11 के अंदर, तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। बस इस वीडियो में कुछ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चैनल पे एक बार विजिट करके देख लीजिए, हम MIUI 11 के ट्रिक्स एंड टिप्स बहुत सारे डालते रहते हैं, तो आपको पता लग जाएगा MIUI 11 की ही जानकारी देते हैं। एक बार विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। बस जब तक टेक केयर एंड गुड बाय, मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, जब तक टेक केयर एंड गुड बाय।